कुछ बात संवेदा कर्मियों, जरा सोच कर देखिए, क्या 3000 में आप अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं? सोच कर देखिए, क्या इस दौर में 3000 रुपए में जिंदगी की गाड़ी खींची जा सकती है? बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना, लेकिन संविदा कर्मियों की हालत ऐसी ही है। राजस्थान में संविदा कर्मी ठेला पटरी और मजदूरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो चुके हैं। संविदा कर्मी लंबे वक्त से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नतीजा आज भी सिफर। 100 बातों की एक बात पर अगर गौर करें तो संविदा कर्मियों की ये हालत करने में सरकारों का ही हाथ है। सरकारें अगर चाहती तो संविदा कर्मियों के दिन भी बदल सकती थी, अच्छे ला सकती थी, लेकिन अफसोस सरकारें तो बदलती गई लेकिन संविदा कर्मियों की किस्मत आज तक नहीं बदली। आज इसी पर करेंगे बहस, उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में संविदा कर्मी बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। संविदा कर्मियों की हालत मजदूर से भी बदतर है, जिससे उनकी जिंदगी अंधेरे में डूबती जा रही है। संविदा कर्मियों की आधी जिंदगी सरकार के आगे धरना प्रदर्शन में गुजर जाती है। सरकारें बदल जाती है लेकिन संविदा कर्मियों की हालत नहीं बदलती। संविदा कर्मियों को घर चलाने तक के लिए पैसे नहीं मिलते, जिससे तंग आकर कई बार संविदा कर्मी मौत को गले लगा लेते हैं। 3000 से 5000 रुपए तक का वेतन पाने वाले संविदा कर्मी सड़क किनारे लगाने वाले, रेड़ी पटरी और मजदूरी करने वाले से भी बुरी जिंदगी गुजारने को मजबूर है। सभी संविदा कर्मी चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत हैं, जल्द से जल्द उनका तात्कालिक स्थायी समाधान किया जाए, और जब तक स्थायी समाधान नहीं होता है तब तक उनकी तात्कालिक समस्याओं का समाधान करते हुए एक सम्मानजनक मानदेय उनको दिया जाए। लेकिन सूबे में नई सरकार आने के बाद संविदा कर्मियों को ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत सी राहत मिली है। सरकार में मनरेगा में काम करने वाले संविदा कर्मियों की 5% पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की गई। ये नियम भी 5 साल से ज्यादा वक्त से काम करने वाले संविदा कर्मियों पर ही लागू होगा। तो 7 दिन पहले हटाए गए हजारों संविदा कर्मियों में महज 2500 संविदा कर्मी को ही बहाल किया गया है। हालांकि संविदा कर्मियों की समस्याओं को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक भी हुई। समिति के संयोजक ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने सारे विभागों को इन कर्मचारियों के आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए। प्रारंभिक जानकारियां उन लोगों से सबसे ली है, किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने संविदा कर्मी हैं, कितनी अवधि से काम कर रहे हैं, सारी प्रारंभिक जानकारियां लेकर के जब आगे ये सब जानकारियां आ जाएंगी तो उसके आगे फर्दर स्टेप उठाएंगे। तस्वीर साफ है कि सरकारों की उपेक्षाओं ने संविदा कर्मियों और उनके परिवारों को फुटपाथ पर फेंक दिया है। देश से गरीबी दूर करने का वादा करने वाली सरकारें सुने संविदा कर्मियों का दर्द कि संविदा कर्मी मजदूरों से मरी हालत में जीने को मजबूर है। ऐसे में संविदा कर्मी नई सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि नई सरकार किसी तरह संविदा कर्मियों को इस बुरी हालत से निकाले। भरतराज, जी मीडिया, जयपुर। सालों गुजर गए लेकिन संविदा कर्मियों का दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और इसी दर्द पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी हैं प्रवक्ता बीजेपी से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर स्टूडियो से। वहीं पर मनीष गोधा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिहाग प्रदेश संयोजक है राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ जयपुर से, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं पर गजेंद्र सांखला जी हैं प्रदेश प्रवक्ता पीसीसी से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है सर जी राजस्थान न्यूज पर। इस चर्चा का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले गजेंद्र सांखला जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, चूंकि सरकार इस बार आपकी सत्ता में आई है, मुद्दे पर ही आ जाती हूं। ठेका मजदूरी अधिनियम 1970 तो आपको याद होगा ना, पारित किया गया था संसद में, कानून ला दिया गया था। बिल्कुल याद है, 1970 की ये बात हो चली है, और उसके बाद साफ तौर पर ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है किसी ठेकेदार के अंदर, लेकिन उसे वेतन अगर सरकार की ओर से दिया जाता है और एक स्थायी कार्मिक की तरह ही वो काम करता है, तो उसका वेतन भी स्थायी कार्मिक के अनुरूप ही दिया जाएगा। आखिर इस काम पर, आखिर इस आदेश पर, इस कानून पर कार्य क्यों नहीं होता? सरकारें आती हैं, बदल जाती हैं, सब्ज बाग दिखाया जाता है संविदा कर्मियों को, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, क्यों ऐसा?
ऐसा नहीं है मैडम। सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो संविदा कर्मचारी है और एक ठेके पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट की लेबर है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। संविदा कर्मचारी वो है जिनको सरकार ने अनुबंध पर रखा है, और ठेके पर जो कर्मचारी रखे गए हैं वो ठेकेदार की फर्म के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर संविदा कर्मियों की बात हो रही है, जिनमें लोक जुम्बिस के कर्मचारी भी हैं, जिनके अंदर आपके काम करने वाले लोग वो भी हैं, जैसे महिलाएं वगैरह काम भी कर रही है उसके अंदर, वो काम भी करने वाले हैं जिनको कि पैरा टीचर के रूप में रखा गया था, जिनको कि आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता के रूप में रखा गया था, इन तमाम लोगों को संविदा कर्मी माना गया है। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव के अंदर चुनाव घोषणा पत्र बनाते समय उस चुनाव घोषणा पत्र के श्रम और रोजगार पॉइंट के अंतर्गत 3 नंबर जो पॉइंट है उसके अंदर इसको शामिल किया है कि हम तमाम संविदा कर्मी, जिसके अंदर लोक जुम्बिस के कर्मचारी भी हैं और जिसके अंदर आपके आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता भी हैं और जिसके अंदर पैरा टीचर्स भी हैं, इस तरह के जो संविदा कर्मी हैं उन संविदा कर्मियों का विस्तृत रूप से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद इनको हम ग्रामीण स्वच्छ शिक्षा सेवा अधिनियम 2010 के अंतर्गत इन तमाम लोगों को हम रेगुलर करने की हमने जिम्मेदारी ली है। और उसके अंतर्गत राजस्थान के ऊर्जावान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने तुरंत कमेटी का गठन कर दिया। बीडी कल्ला साहब के नेतृत्व में कमेटी का गठन हो गया। सर, एक मीटिंग भी उसकी हो चुकी है। मीटिंग ली और कोशिश करने की बात, सबसे बड़ी बात, ये कोशिश 1970 से ही हो रही है, अभी तक अंजाम पर पहुंच नहीं पाई है। घोषणा पत्र की बात कर ली जाए तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस बिंदु को शामिल किया गया, इससे पहले भी कई बार इस बिंदु को शामिल किया लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। ये कुठाराघात ही है, ये बिल्कुल बिल्कुल पहले दूंगी मैं, पहले भी किया गया है। 2008 से गजेंद्र साकला, 2008 से 2000 जितेंद्र श्रीमाली जी का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी, जहां पर 1970 ठेका मजदूरी अधिनियम का हमने जिक्र किया, इसके साथ ही 1976 में एक और अधिनियम बनाया गया था, वो था समान वेतन अधिनियम, उस पर भी कोई काम नहीं किया। आखिर क्यों इस तरह की जो कुठाराघात है वो संविदा कर्मियों पर किया जा रहा है? क्यों सरकारें आती है बदल जाती है लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता? संविदा कर्मियों ने क्या कुछ बिगाड़ा है सरकार का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी समस्या कांग्रेस के सरकारों के समय में एक बेरोजगारी की समस्या से को दूर नहीं कर पाने के बीच में एक चुनावों को समय देखते हुए जो कांग्रेस की नीति रहती है कि एक छोटा सा ऐसा सगुफा छोड़ दो जो इस प्रकार के वंचित जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको तात्कालिक राहत संविदा कर्मियों को, क्यों 5 साल तक राज करने के बाद उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ मैडम, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैडम। मैं तो ये जो हर बार चुनाव के समय चुनाव का मौका देख करके जो गरीब पिछड़े और बेरोजगार जो लोग हैं उनको एक छोटा सा टुकड़ा टाइप डाल करके और उनके वोट ले ले, इस प्रकार के कांग्रेस की सरकारों में 1970-75 के समय से ये दौर चला आ रहा है। मूल समस्या इस देश की जो थी वो थी इस देश की बेरोजगारी दूर करना, और बेरोजगारी जब दूर नहीं हो पाई, इतने इस देश में 70 साल के इतिहास में 65 साल इन्होंने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, और जब बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं हो पाई तो इन्होंने ये एक नई चीज चालू हुई संविदा कर्मियों के ठेका प्रथा की, और ठेके के आधार के ऊपर उनकी स्थिति मजदूरों की वही रही जैसे बंधुआ मजदूर पहले के जमाने में होते थे, उसी प्रकार के बंधुआ मजदूरों की हालत इसमें हुई। परंतु जब सरकार बीजेपी की आई तो आप ये देखें कि जहां संविदा कर्मी की अपन बात करें तो बीजेपी की सरकारों में यह नियम निकाला गया कि अगर संविदा कर्मी नियमित भर्ती के अंदर वो अप्लाई करता है तो उसको बोनस अंक दे करके उसकी भर्ती की जाए। पूरी तरह से कांग्रेस को आप जिम्मेदार ठहराएंगे? सरकार तो आपकी भी रही, ऐसा नहीं था। राजस्थान की बात कर लेते हैं, सरकार तो आपकी भी रही, क्या आपकी ओर से कोई प्रयास नहीं किए जा सकते थे? बीजेपी की सरकार के अंदर जो बना हुआ नियम है वही बता रहा हूं मैडम मैं, कि बीजेपी सरकार के समय में ही यह नियम बना कि अगर सरकारी नियुक्ति के अंदर संविदा कर्मी कोई अप्लाई करता है तो उसको उसके जो जितने समय उसने काम करा है, जैसे 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष से कम काम किया है, सर, नतीजा क्या कुछ रहा? 3,000 से 5,000 अपना और अपने परिवार का प्राथमिकता के आधार पर क्या 3,000 रुपए में निकल सकता है? ठीक है, वो बीजेपी सरकार में किया। मनीष गोदा साहब का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मनीष गोदा साहब,
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बेहद आसान बात है, लेकिन जो व्यक्ति इस परिस्थिति से गुजर रहा है, दो चार हो रहा है, उस पर क्या बीतती होगी? क्योंकि संविदा कर्मियों की ओर से लगातार मांगे उठाई जा रही है, धरना प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन उनकी मांगों को चाहे कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, हर बार अनसुना कर दिया जाता है। आज भी 3,000 रुपए वेतन, 5% की बढ़ोतरी, इतनी मामूली सी बढ़ोतरी की गई है। अगर 5,000 पर भी 5% बढ़ाया जाता है तो 250 रुपए होता है, 250 रुपए आज के दौर में। देखिए पूजा, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि सरकारें अपनी बला टालने के लिए, मतलब जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान तो कोई करना नहीं चाहती सरकारें, उसके लिए कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बनाना नहीं चाहती, उसकी जगह एक इस तरह की व्यवस्था करती है कि उनसे उनका काम भी निकल जाए और वो जो रोजगार देने का एक जो शगुफा है या नारा है वो भी पूरा हो जाए। सरकार का काम सरकारी कर्मचारियों के भरोसे नहीं चल सकता। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि सरकार को एक्स्ट्रा मैनफोर्स की जरूरत होती है। अब उस काम को करने के लिए सरकार संविदा कर्मियों को भर्ती करती है। संविदा कर्मी जब भर्ती होता है तो वो ये जानता है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं के लालच होता है, जो हमारी सरकारों ने एक आदत भी डाली है कि आपको हमने ले लिया तो हम आपको आगे आगे रेगुलराइज कर देंगे, तो उस लालच में संविदा कर्मी काम पर आ भी जाता है। अब होता यह है कि सरकारें उसको रेगुलराइज करती नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट ने रोक लगा दी है कि आप बैकडोर से एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो पहले ये होता था कि संविदा कर्मी आ जाते थे और बाद में उनको रेगुलराइज कर दिया जाता था, तो एक परंपरा सी चल गई। फिर जब से रोक लगी है उसके बाद से अब एग्जाम कराना पड़ता है आपको, नई भर्ती करानी पड़ती है। नई भर्ती जब आप कराते हैं तो उसमें उनको वेटेज तो दे देते हो आप, लेकिन फिर भी वो बैकडोर एंट्री मानी जाती है। तो अब ये स्थिति आ गई है और इसकी वजह से संविदा कर्मियों की समस्या का कभी भी मैं मानता हूं कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो उस देश का बेरोजगार है उसको खुद को सोचना पड़ेगा कि हम सरकार के इस चंगुल में ना फंसे और खुद अपने लिए कुछ ना कुछ करने की सोचें। यदि हम इस तरह से कुछ करने की सोचेंगे तभी जाकर के इसका समाधान, सरकार के पास इन चीजों का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि सरकारों के पास वो उतना संसाधन है ही नहीं कि आप जितने संविदा कर्मी भर्ती करते हैं उनको रेगुलराइज कर सकें। सरकारें हमेशा जब भी आती हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, वो हर घोषणा पत्र में ये वादा करती हैं। अब आप मुझे बता दीजिए मनरेगा में हजारों की संख्या में संविदा कर्मी लगे हुए हैं, क्या सरकार उनको करने की कोशिश स्थिति में है? जो लोग पहले लगे हुए थे क्या सरकार उनको करने, आप हमेशा वही होगा कि वो परीक्षा की, अब परीक्षा जब होगी तो उसमें जो संविदा कर्मी है वो भी भर्ती होगा, जो नया आ रहा है वो भी भर्ती होगा, वो भी अप्लाई करेगा और जो मेरिट पे होगा उसका हो जाएगा। लेकिन जो संविदा कर्मी है जितने इतने साल तक काम कर लिया 3,000 रुपए में 2,000 रुपए में, उसकी आकांक्षा है कि मुझे रेगुलराइज कर दिया जाए, लेकिन सरकार के हाथ में अब वो तरीका नहीं है, कोर्ट ने वो तरीका हटा दिया है। तो खुद संविदा कर्मी को भी सोचना पड़ेगा और मुझे लगता है सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि इसका कोई दूसरा तरीका निकाला जाए, जो उनको जरूरत है जिस मैन पावर की, उसको करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए या उन कामों को करने के लिए आउटसोर्सिंग की जाए, दूसरे तरीके से उसको काम को कराया जाए। उस तरीके से आप संविदा कर्मी को रख करके बेरोजगार के साथ छलावा नहीं करना चाहिए, मुझे, मैं ये मानता हूं बिल्कुल। लेकिन अगर पुरजोर तरीके से इन मांगों को उठाने की बात हो तो चाहे बीजेपी सत्ता में रही तो कांग्रेस की ओर से लगातार इन मांगों को उठाने के लिए साथ दिया गया था। मनरेगा कर्मियों की अगर बात की जाए या फिर संविदा कर्मियों की अगर बात की जाए, वहीं पर जब कांग्रेस सत्ता में रही तो बीजेपी की ओर से लगातार इस मांगों को उठाया गया, लेकिन अभी तक कोई नतीजा दोनों ही पार्टियों की ओर से चाहे कोई भी सत्ता में रहा हो निकलता हुआ नजर नहीं आया है। क्या कुछ व्यथा इसके पीछे है, क्या कुछ परेशानियां हैं, खुद अशोक सिहाग जी से जान लेते हैं। अशोक सिहाग जी, आपकी व्यथा आप ही बता दीजिए। पूजा जी, कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को स्थायी समाधान के लिए कहा है, उसका हम स्वागत करते हैं। परंतु यदि देखा जाए तो पूर्व में इसी कांग्रेस सरकार ने विद्यार्थी मित्रों के लिए एक शिक्षा सहायक की भर्ती निकाली थी, जिसको बीजेपी सरकार ने रद्द कर दिया था और 24,163 विद्यार्थी मित्रों को रोड के ऊपर लाकर के खड़ा कर दिया था। उसके बाद में बीजेपी सरकार ने विद्यालय सहायक भर्ती निकाली, वो भर्ती नियमों की खामियों के कारण सुप्रीम कोर्ट में अटक करके रह गई। अगर बीजेपी सरकार की मंशा होती तो उस भर्ती प्रक्रिया को वो पूर्ण करवाती, उसकी अच्छे तरीके से पैरवी करवाती। अब बात करें कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस सरकार ने स्थायी समाधान की बात कही है। कांग्रेस सरकार करके हम आंकड़े जुटाएंगे, क्या जो पूर्व में शिक्षा सहायक आपने भर्ती निकाली थी, चाहे वो नरेगा कर्मियों के लिए निकाली थी या एनआरएचएम कर्मियों के लिए जो भर्तियां निकाली थी, क्या उनके का आंकड़े आपके पास उपलब्ध नहीं है? क्या वो उन भर्तियों की जो स्थिति वर्तमान में न्यायालय में चल रही है वो आंकड़े आपके पास नहीं है? यदि आप चाहते तो आपकी सरकार बनते ही एक सिंगल ऑर्डर जारी करते
कि वर्तमान में संविदा कर्मियों की जितनी भी तात्कालिक समस्याएं उनका हम तुरंत प्रभाव से समाधान करते हैं और इनके स्थायी समाधान के लिए क्या किया जा सकता है उसके ऊपर हम विचार करते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर डाल रहे हैं और बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर डाल रहे हैं, परंतु इसके अंदर जो पिस रहा है वो केवल और केवल संविदा कर्मी है। यदि वर्तमान में भी सरकार चाहे तो विद्यालय सहायक भर्ती जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में है उससे सीधा 33,689 लोगों का भला होता है और एक लाइन के अंदर सिर्फ इतना सा कि इस भर्ती प्रक्रिया का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, एजी से डबल एजी से या सरकार के जो भी अधियोक्ता है उनसे उसकी अच्छे तरीके से पैरवी करवाई जाए। बिल्कुल अशोक जी, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, ऐसा नहीं है किसी एक पर आरोप है, दोनों की कि जब भी सरकारें रही दोनों ही पार्टियां कटघरे में खड़ी हुई है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, जितेंद्र शिमाली साहब, आपने सुना होगा क्या कुछ कहा अशोक सिहाब साहब ने, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले अगर विद्यालय सहायक भर्ती पर ही रोक की बात कर ली जाए तो उस पर आपकी ओर से क्या कुछ कहा जाएगा, डिफेंस क्या कुछ रहेगा आपका? देखिए, मैं इस विद्यार्थी वाली जो भर्ती थी इसके साथ में और बीजेपी सरकार के अंदर और भी 2-3-4 भर्तियां थी जो उस समय जब ये लगातार ये कांग्रेस की तरफ से वहां पर अनेक ऐसे हमको उदाहरण दिखे थे, रोज ये जब चुनाव के समय जब 26,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला आया था तब भी कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को एप्लीकेशन लगा करके उस भर्ती को रोकी गई थी। तो कांग्रेस जब बीजेपी सरकार थी तो कांग्रेस में एक वकीलों का एक समूह था, वो समूह निकलने वाली प्रत्येक भर्ती के ऊपर इस प्रकार की अड़चन कोई ना कोई लगा करके और उसको केवल किसी कारण से कोर्ट में अटकाने का काम लगातार किया और इस बात को इन्होंने देखा। जब 26,000 लोगों की भर्ती की हाईकोर्ट ने जब कर दिया और ये कह दिया कि हाँ इसकी भर्ती कर दी जाए और वो भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई, उस समय भी चुनाव आयोग के यहाँ एप्लीकेशन लगा करके इन्होंने ये एप्लीकेशन लगाई कि साहब ये अगर ये भर्ती इस समय चुनाव के समय की गई तो इसको बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो ये जो भर्तियां होती है इनको कांग्रेस और बीजेपी के आधार के ऊपर अगर निर्धारण किया जाएगा तो बेरोजगारों के साथ में खिलवाड़ होगा और ये संविदा कर्मियों का जो ये चालू किया सिस्टम ये बेरोजगारों के कोहनी के ऊपर गुड़ लगा करके और उनके साथ में जिस प्रकार से छलावा किया गया उसका एक उदाहरण देखेंगे। आज घोषणा पत्र के अंदर जिस प्रकार की बात कही गई तो हमको ये संविदा कर्मियों की और राजस्थान के बेरोजगारों को इस बात की आशा का एक अपेक्षा थी कि जिस प्रकार से जब बीजेपी सत्ता में आई तो सवाल खड़े किया आपने आज के जो पहले है तो बेरोजगारी वाले विषय को लेकर के एक पत्र जारी किया जाता और पत्र जारी करके आप उलझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इतने संविदा कर्मी है, आप उलझाने की कोशिश क्यों कर रही है? पूजा जी सहायक भर्ती, पूजा जी जो आपने सवाल गवर्नमेंट से निकाले थे, यदि आपकी मनसा सही होती तो आप विद्यालय सहायक की पैरवी करवाते अच्छे तरीके से। अड़ंगे लगाने वालों का काम होता है, अड़ंगे लगाएंगे नजर नहीं आ रही है। आप जब तक उसका समाधान चाहते थे सही तरीके से समाधान कर सकते थे। पूजा जी, मैं आपको ये इस बात को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार थी 2008 से लेकर 2013 के बीच में, उस समय आपको ध्यान होगा कि स्कूल शिक्षा, सुशील शर्मा, स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के अंदर जब आप बोल रहे थे तब मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मैं बता रहा हूँ, आप जब बोल रहे थे बीच में नहीं बोल रहा था। आप मुझे अपनी बात को खत्म कर रहे थे। अभी है आपके महासचिव सर ने एप्लीकेशन लगाई थी, जो पोस्टें थी लगा करके वो तो पदाधिकारी पोस्टों के अंदर एडेड पोस्टों पर टीचर्स और कॉलेज एजुकेशन के लेक्चर थे उसको कांग्रेस की सरकार ने भर्ती किया और आज वो ग्रामीण सर्वेक्षण शिक्षा सेवा का अधिनियम 2010 के अंदर सर्विस कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये बता दीजिए कि शिक्षा सहायक की आदत यही है, कोई काम नहीं कर रहा, विद्यालय सहायक भर्ती क्या कांग्रेस वालों ने निकाली थी, क्यों को बीजेपी को समाधान करना चाहते हैं? और इसीलिए सर पॉइंट पर आ जाइए, क्यों बात यहाँ पर नरेगा सहायक करवाई, दूसरे आदमी की बात को सुनना नहीं चाहते? वर्तमान सरकार आती है इसकी सरकार, और इसकी वजह से जनता ने इनको संविदा कर्मियों का समाधान हो इस तरह की हालत चाहते हो, सुनना नहीं चाहते समाधान हो सकता है सरकार में, इसलिए आपके 21 सीटें आई थी सरकार, इस सरकार आप इनको इनको ध्यान होना चाहिए कि कर्मचारी को उठा करके कर्मचारी जाकर ये चीज को, और अजमेर के अंदर पार्टी का मंत्री है घर के आगे धरना लगा दिया, वो है कुछ आपके दोनों वोट मिले इसलिए इतना घमंड करके, और आप राजस्थान गजेंद्र जी 5% पारिश्रमिक बढ़ोतरी, आप जवाब दीजिए, 5
5% बढ़ोतरी, अगर 5,000 पर भी 5% की बढ़ोतरी मानी जाती है तो 250 रुपए, क्या यही उम्मीद लगाई थी और क्या इसीलिए कांग्रेस को सत्ता में लाई थी ये जनता, ये संविदा कर्मी इसी उम्मीद के साथ? मैं आपको ये बात बता दूं, संविदा कर्मियों के अंदर, संविदा कर्मियों के लिए पिछली सरकार ने संविदा कर्मियों पर 10% की बढ़ोतरी की और आज संविदा कर्मी जो 25 साल से नौकरी कर रहे हैं उनकी तनख्वाह 20,000 से ऊपर है। कौन कह रहा है आपको 3,000, 2,000, 5,000? गलत तरीके से भी सर आंकड़े कह रहे हैं, खुद हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए अशोक सियान जी सिरे से खारिज करते हुए नजर आते हैं, 20,000 रुपए तनख्वाह की बात करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस के लीडर्स क्या कहेंगे आप, उनसे 5,000 रुपए क्या आपको वेतन नहीं मिलता है? आपके सामने रख सकते हैं सर सच्चाई, अशोक सियान जी से जान लेते हैं। अशोक सियान जी नहीं मिला है, न तो बीजेपी सरकार बली है और न ही कांग्रेस सरकार बली है। 10 महीने के केवल और केवल हमें गुमराह कर रहे हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस बात का दुख है मैडम, 2008 के चुनाव के अंदर वसुंधरा जी ने पोस्टर लगा के तैयार नहीं है, अब मैं खुश हूँ संविदा कर्मियों का, यही कहा था अब मैं खुश हूँ या नहीं, और संविदा कर्मियों को जो लोग कर्मचारी है उनके 248 कर्मचारियों को पोस्टिंग दे दी। आपने चुनाव में आपने बात करके और वास्तव में 2,250 कर्मचारियों को आप बेरोजगारों के साथ 800 से ऊपर कर्मचारी जो है वो आज भी बेरोजगारी की स्थिति में बैठे, युवा देख रहा है इस सरकार को कि और उसके अंदर 200 से ज्यादा कर्मचारी जो है वो मौत के कास के ग्रास में चले गए और आज भी 562 कर्मचारी लॉक जुम्बिस के आज भी इनके जी को रो रहे हैं और इन्होंने झूठे ऐड लगाए कि हमने 900 लोग जुम्बिस के कर्मचारियों को नियमित कर दिया, तनखा ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वसुंधरा जी ने अपनी फोटो देकर के पोस्टर लगाए, तो आप बढ़ा दीजिए ना, आपने 250 रुपए बढ़ाने के लिए आप सरकार में आए हैं, संविदा कर्मियों को नियमित की बात कही है। जितेंद्र जी, जितेंद्र जी, आपने भी जब घोषणा पत्र जारी किया था जब आपकी सरकार थी तभी आपने ये दावे किए गए थे कि 2.5 लाख संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा, आप उस दावे के बारे में, उस दावे के बारे में बता दीजिए। कैसे बना कर सकते हैं जितेंद्र साहब, राजस्थान की सरकार ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक मिनट, जितेंद्र शिमाली साहब से सवाल पूछा है, जितेंद्र शिमाली साहब आप बता दीजिए 2.5 लाख संविदा कर्मियों को स्थायी करने के वादे का आपकी सरकार ने कितना काम किया, कितने को आप कर पाए आप बता दीजिए। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है कि आप तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि वर्तमान में जो 6,000 विद्यार्थी मित्र वंचित हैं रोजगार से, क्या आप उनको रोजगार दे रहे हैं? और जो जो विद्यालय सहायक भर्ती वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अटकी हुई है, क्या लोकसभा चुनाव से पहले पहले आप उसका समाधान करवाने जा रहे हैं? देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, संविदा कर्मियों के लिए राजस्थान सरकार का स्पष्ट वक्तव्य है और वो वक्तव्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो नियमित होने की जिनकी स्थिति है, क्योंकि सारे लोग नियमित हो नहीं पाएंगे, वो नियमों में नहीं आते, जितने लोग नियमों में आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ये तैयार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं बताई? बिल्कुल बताइए। मनीष जोधा साहब फिर से चुप बैठे हैं, उनका रोक लेते हैं। मनीष जोधा साहब, पहली सब कमेटी की बैठक हुई उसमें सारे विभागों को आंकड़े जुटाने के, स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश कर दिया गया है ऊर्जा मंत्री की ओर से, क्या कुछ लगता है पहली ही बैठक में? इस बार उम्मीद तो जगी है संविदा कर्मियों को लेकर, मीटिंग तो ली गई है, बातचीत का जो दौर है वो आगे तो बढ़ा है, क्या ये पटल तक पहुंच पाएगा? उम्मीद जो लगाए बैठे हैं संविदा कर्मी, क्या वो कुछ हद तक पूरी होती हुई नजर आएगी? आपसे जान लेते हैं, क्या कुछ फिलहाल ये तमाम जो सिनारियो बनता है उससे उम्मीद लगाई जा सकती है? देखिए पूजा, मैं साफ तौर पे आपको कहूं कि ये जो कमेटियां बनती हैं ये चीजों को लिंगर ऑन करने के लिए बनती हैं। बहुत सीधी सी बात है, सरकार में कई सब कमेटीज बनती हैं, पिछली सरकार में भी बनी थी, उसकी पिछली सरकारों में भी बनी थी। ये लेते रहेंगे आंकड़े, लेते रहेंगे हर डिपार्टमेंट से लेते रहेंगे और समय समय पर कुछ ना कुछ देते भी रहेंगे, लेकिन कभी भी स्थायी समाधान हो ही नहीं सकता इस समस्या का, क्योंकि आपके पास लगभग, आप ये जितना काडर है ना सरकार का, उसका लगभग 25% 20% के आसपास संविदा कर्मी है। आप कहां पर उनको नियमित करेंगे और कैसे करेंगे, कहां से लाएंगे इतने रिसोर्सेज? और यदि आप उनको नियमित करेंगे तो फिर जो और जो लोग आकर के रोज हर साल बेरोजगारी की भीड़ में शामिल हो रहे हैं उनको नौकरी कब देंगे आप? तो ये स्थायी समाधान कभी भी नहीं कर सकती है सरकार, कोई सरकार नहीं कर सकती जब तक इसका कोई दूसरा तरीका नहीं निकाला जाए। और मैं संविदा कर्मियों से आपसे जो सवाल पूछा वही सवाल आज प्रदेश की जनता से भी पूछा गया था कि संविदा कर्मियों को इस मुश्किल हालात से वर्तमान सरकार क्या बाहर निकाल पाएगी, और उस सवाल का जवाब
47% लोगों ने हाँ में दिया और 53% लोगों ने ना में दिया, यानी लोगों को भी ये उम्मीद नहीं है कि सरकार इस बार संविदा कर्मियों को इस मुश्किल भरे समय से निकाल पाएगी। आप सब हमारे साथ इस बहस में शामिल हुए, हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ में इतना ही।